हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फन फूडीज। आज मैं बताने वाली हूँ ग्रीन नारियल की बर्फी। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है उस पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का नारियल जिसकी स्किन मैंने पहले से ही निकाल दी है, 100 ग्राम शक्कर, 1 चम्मच मलाई और इलायची पाउडर। और फ्रेंड्स, अगर आपको नारियल की स्किन नहीं निकालनी है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अभी हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच जितना घी लिया है। अभी उसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ नारियल। फ्रेंड्स, अगर छोटे बड़े पीसेस रह जाए नारियल के तो उसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक सोटे कर लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट तक सोटे करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम जितनी शक्कर। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ज़्यादा या तो कम ऐड कर सकते हैं। अभी हम मिक्स करेंगे शक्कर को। वापस 2 से 3 मिनट तक हिलाएंगे। शक्कर मेल्ट हो जाने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जितनी मलाई। मलाई ऐड करने से हमारी बर्फी एकदम रसीली बन जाएगी। अभी हम मलाई को मिक्स कर देंगे। मलाई मिक्स हो जाने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। वापस हम 2 से 3 मिनट तक हिलाएंगे। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, बर्फी का कलर कितना चेंज हो गया है और एकदम बढ़िया टेक्सचर आ गया है। अब ये बर्फी कढ़ाई को छोड़ रही है तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी मैंने एक मोल्ड को घी से पहले से ही ग्रीस करके रख दिया है। अभी हम बर्फी को इसमें स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो कोई भी प्लेट में भी बर्फी को स्प्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बर्फी बनाने में 7 से 8 मिनट लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। अभी हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। ठीक से स्प्रेड हो जाने के बाद उसके ऊपर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर या तो कोकोनट पाउडर और 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी 1 घंटा ठंडा होने के बाद उसमें हम अपने चॉइस के हिसाब से कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी रसदार और सॉफ्ट बनी है हमारी बर्फी। अभी हम इसको एक प्लेट में अच्छी तरह से सर्व कर लेंगे। अभी ये रेडी है हमारी फ्रेश नारियल की बर्फी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वैरायटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।